भाई कहना दे ये किस लिए हो रहा संदीप सिंह। नमस्कार, मैं पवन, आप देख रहे हो जन क्रांति जींद। जैसा कि आप सबको मालूम चल ही गया है, आज करनाल में टोल प्लाजा पर किसानों पर भारी लाठीचार्ज किया गया है। यह बीजेपी की खट्टर सरकार के इशारे पर यह लाठीचार्ज किया है, तो इससे पूरे हरियाणा के किसानों में भारी रोष है और इस रोष को व्यक्त करने के लिए जगह जगह पर रोड जाम किए गए हैं। आज हम फिलहाल जींद स्पीडो रोड पर पहुँचे, यहाँ पर मंदोरपुर गाँव के पास। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से मोटरसाइकिलों को इन पेड़ों के ऊपर से टपाया जा रहा है। यहाँ पर जो इस जाम में किसान हैं उनसे बात करेंगे हम, क्या कुछ उनका कहना है और ये लाठीचार्ज के बारे में। आप देख सकते हो बहुत दूर तक ये जाम लगा हुआ है। ये आप देखियो रोड को मनोरपुर गांव के पास बिल्कुल ही ब्लॉक किया गया है, कोई भी साधन चार पहिया वाहन यहाँ से नहीं निकल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। नमस्कार है जी आपका। कृष्ण कुमार पंजेटा, गांव मनोरपुर, जिला जींद। आज ये रोड जाम किया है, क्या मकसद है? आज का मकसद जो करनाल खट्टर ने यू करवाया ने पंगा है, कहूँगा मैं तो पंगा है यू, या मीटिंग ले ही है जो पार्टी की करी या सरकार की करी या मीटिंग चंडीगढ़ भी करा से कहनी, यार करनाल जरूरी है। बस लोग परेशान, आज आप गए भी होंगे करनाल, लोग पूरा गांव करनाल शहर है ना, इतना तंग था, कोई बीमार था, कोई बेचारा पेपर दे रहा था, वो सारा शहर बंद था जी। और 150-200 गाड़ियां कंटेनर अड़ा दिए बेचारे, और कल की गाड़ी खोस रखी थी उनकी, उनकी चाबी खोस रखी है, क्या उनके बाप की वो गाड़ी खोस ली, गाड़ी खोस कर अड़ा रखी, रास्ते रोक रखे। करनाल के पास टोल था उस पे, हाँ उस अंधाधुन, अंधाधुन क्या किसानों के इतने लठ मारे बुजुर्ग, अरे शर्म, ये सरकार को शर्म नहीं आती? अरे बुजुर्ग आदमी का लठ मारे, किसी की टांग तोड़ दी, किसी की बांह तोड़ दी, किसी का सिर फोड़ दिया, वो शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे दिखा रहे थे। क्या किसी गलत कानून का विरोध नहीं कर सकते? कोई गलत काम कर रही है उसका विरोध नहीं कर सकते? किसान है, मजदूर है, छोटे व्यापारी है, उसका विरोध करे इसका मतलब ये तो कर दे सही, और कोई उसका विरोध कर दे वो गलत है। मतलब ये 1-2 हज़ार या कितनी सर बैठे हैं, किसान बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं, दुकानदार बैठे हैं, हर कोई तंग है, कोई कर्मचारी है, कर्मचारी भी तंग है, कोई एक आदमी ये बता दो इससे संतुष्ट है सरकार से? ऐसा क्या सरकार है? जनता के लिए सरकार होती है, जनता को तंग करने के लिए सरकार होती है। ये जो आपने रोड जाम किया हुआ इससे भी थोड़े पब्लिक को परेशानी, हाँ ये मानते हैं पब्लिक परेशान होती है, मानते हैं, लेकिन पब्लिक परेशान क्यों करे हमें, कि मैं शौक है ये काले कानून वापस कर लो, MSP की गारंटी दे दो, हम उठ के चले जाएंगे राम, किसी को तंग नहीं करते, हम तंग करने के लिए थे। आज का ये जाम लगाया हुआ है कि कब लग का है ये? जब तक हमारे जितने भी किसान हुआ चोट लग रही है वो इलाज नहीं करेंगे, और जो अंदर गिरफ्तार कर रखे उनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे 1 दिन लगो चाहे 10 दिन लगो, अनिश्चित काल के लिए रोड जाम रखेंगे हम। ठीक है जी, ये इस लेना। नमस्कार जी। नमस्कार, आप क्या कहना चाहोगे? जो आज लाठीचार्ज हुआ है, लाठीचार्ज बिल्कुल गैर कानूनी है, हमारे किसानों को बहुत बुरी तरह मारा गया है, जिसमें ये देखो आप, वहाँ किसानों ने पहले अपील कर रखी है, ठीक है, किसानों ने पहले अपील कर रखी है भैया राजनीतिक प्रोग्राम नहीं करने हैं, लेकिन सरकार फिर भी अपना तानाशाही जमींदारों में फूट डालने के लिए, उनको मारने पीटने के लिए लगी हुई है। पहले भी हमारे यहाँ देखो, आपने 15 अगस्त पे भी देखा किसानों का आह्वान था, सरकार क्यों बार बार यहाँ आके हरियाणा में परेशानी कर रही है भाई, चंडीगढ़ में इन्होंने मीटिंग करनी है, करो ऑनलाइन का सिस्टम है आजकल तो, ये डिजिटल कह रहे हैं इंडिया बना दिया, सब कुछ है, लाइव हो सकता है, कॉन्फ्रेंस के द्वारा हो सकता है, तो फिर ये करनाल में जाकर अत्याचार क्यों? मैंने 240 पे जो वीडियो देखे हैं, खेतों में से किसान जीरियों में से भाग रहे हैं, उनके पीछे भाग भाग के मारा है, बताओ 60 डिस्ट्रिक्ट की फोर्स लगा दी, वहाँ थोड़े से जमींदार हैं, अगर सरकार को यही है ना कि मंडबई हमने लड़ना है, ये तो आज लाठी चार्ज कराया गया है, इसका क्या मकसद है? एक तरफ तो किसानों की ने ऐतिहासिक महापंचायत बुलाई है 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में, क्या मुजफ्फरनगर वाली रैली के कारण डरे हुए हैं वहाँ किसानों में दहशत बैठे, वो ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ से देखना आप, हमारे कंडेला खाप के गाँव है, यहाँ हमारे यहाँ कम से कम भी 10,000 लोग वहाँ 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में पहुँचेंगे, हर गाँव से ड्यूटियाँ लग चुकी है, तैयारी फुल है,
लेकिन किसान डरने वाला नहीं है, जो अपना हक है वो लेके रहेगा। कोई गलत नहीं मांग रहे भाई, हमारे जमीन जायदाद है, हमारे गन्ने की पेमेंट है, आज तक भी लटके हुए हैं। बताओ 500 क्विंटल गन्ना निकलता है, लेते हैं 240, बाकी कहाँ लेके जाऊँ। किसान वाकई में परेशान है, नहीं किसको फालतू की जरूरत है, इतनी गर्मी में आके रोड के ऊपर बैठेगा, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं बेचारे। कोई गलत बात है तो ये बताओ। शांति प्रिय 9 महीने से हमारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं 26 नवंबर से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। बताओ यहाँ जींद के आसपास किसान ने यहाँ कोई आगजनी की या क्या किया? आज अचानक था, जितना हमारे से हो सके हमने चाय पानी का भी प्रबंध किया है। बाकी अगर कोई भाई रात को यहाँ रहेगा उसका हम खाने का भी प्रबंध करेंगे, किसी भाई को हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन हमारा यूनियन का संयुक्त मोर्चे का ऐलान है, जब तक हमारे किसान रिहा नहीं होंगे तब तक अनिश्चितकालीन ये रोड हमारे जाम रहेंगे। मनोहरपुर गांव के पास ये जाम लगाया हुआ है जींद स्पीडो रोड पर, आप देख सकते हो काफ़ी दूर तक ये जाम किसानों के द्वारा मनोहरपुर गांव के पास लगाया गया है और किसी भी प्रकार का यहाँ पर आवागमन नहीं हो रहा, सिर्फ मोटरसाइकिल ही बड़ी मुश्किल से यहाँ से जा रही है। किसानों में आज के लाठीचार्ज के कारण भारी गुस्सा है और किसान मांग कर रहे हैं कि जब तक जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा नहीं किया जाता, उनके इलाज का प्रबंध नहीं किया जाता, तब तक अनिश्चितकालीन धरना ये जारी रहेगा।